राजस्थान में नए जिलों को लेकर मच रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भजनलाल सरकार जहां पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की ओर से बनाए गए 17 जिलों की जायजा ले रही है, तो वहीं गहलोत ने एक बार फिर से नए जिलों की पैरवी की। अशोक गहलोत बोले, प्रदेश में अभी तो और भी नए जिले बनने की गुंजाइश है, जिले छोटे होने चाहिए, इससे आमजन को फायदा होता है, उन्हें छोटे मोटे कामों के लिए आने जाने में तकलीफ नहीं होती। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। सितंबर को गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बोले, आप हरियाणा जाइए, आपको वहां हर 40 किलोमीटर पर जिला मिलेगा, प्रशासनिक इकाई छोटी होगी तो लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और काम स्मूथ होगा। हमने छोटे जिले बनाकर एक प्रयोग किया था। सुनिए गहलोत क्या कुछ बोले। हरियाणा चुनाव जीत रही कांग्रेस, एक तरफा जीत हो रही है, वहाँ अच्छा माहौल है, सब एकजुट है, काम में लगे। जम्मू महाराष्ट्र वहाँ पर क्या अभी वो तो देखो, अभी टाइम आएगा तो बताएंगे। अभी तो वहाँ थोड़ी महाराष्ट्र में तो चुनाव घोषणा होना बाकी है। अभी राजस्थान बयान आ रहा है कि पिछली बार आपके कार्यकाल में अनावश्यक रूप से कई जगह राजनीतिक फायदा लेने के लिए नए जिलों का गठन कर दिया गया था, नहीं वो परीक्षण करके। वैसे तो आप जाएंगे हरियाणा में, जाएंगे हर 40 किलोमीटर में नया जिला मिलेगा आपको हरियाणा के अंदर, तो ये तो पॉलिसी होनी चाहिए खुद की, आप किस प्रकार से मैनेज करते हो जिलों को, छोटा जिला हो बड़ा जिला हो, क्या क्या उसमें उसके प्रशासन में फर्क पड़ता है, वो आपको अध्ययन करना चाहिए। कि छोटा जिले का प्रयोग अगर हमने किया भी है, उसको हमने प्रयोग के रूप में किया, अगर प्रयोग सफल होता है तो आप उसको कायम रखिएगा और बढ़ाइएगा आगे। इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहाँ रेगिस्तान के इलाके भी हैं, दूर दूर बसे हुए गाँव हैं, जितना ज़्यादा आप जिले बनाएंगे और जिले बनाने की गुंजाइश में मानता हूँ राजस्थान के अंदर, और जिले बनने चाहिए जिससे कि प्रशासनिक कई जो है लोगों को तकलीफ नहीं हो दूर जाने में, राजधानी तक आने के अंदर या संभाग मुख्यालय पर जाने के लिए, जिला स्तर पर जाने के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप इकाइयाँ बनाएंगे जिले की, उतना ज़्यादा प्रशासनिक रूप में फायदा है। अब सरकारी सोच क्या है वो तो वो जाने। बताते चले, गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में 17 नए जिलों और 3 नए संभाग बनाए थे। उस समय भी विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे। उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आ गई। सत्ता में आते ही भजनलाल सरकार ने नए जिलों के गठन की समीक्षा किया। इसके लिए रिटायर्ड IAS अधिकारी ललित के पवार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने नए जिलों की मुख्तलिफ पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ये रिपोर्ट पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा करने के लिए गठित की गई कैबिनेट सब कमेटी के पास आ गई। ये कमेटी उस रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी तय करेगी कि कितने नए जिले रहेंगे, कितने खत्म होंगे। कैबिनेट सब कमेटी ने हाल ही में इस रिपोर्ट पर मंथन किया था। इस मसले को लेकर भजनलाल सरकार लगातार कहती आ रही कि राजनीतिक फायदे के लिए बेवजह नए जिले बना दिए गए थे। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज। शुक्रिया।